अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का डे नंबर 48 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। हम ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के हम उनको स्टडी कर रहे हैं। हमने ओरल कैविटी भी पढ़ा, लेरेंस और फेरेंस भी पढ़ा था। कल हमने जो सा इसको डिटेल से डिस्कस किया था स्टमक को, आज हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको ड्यूडिनम कहा जाता है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 10 इंचेस होती है और 25 सेंटीमीटर्स होती है। यहाँ क्या काम होता है? आपके स्टमक में जो खुराक की डाइजेशन चल रही होती है, बेसिकली आपका जो स्टमक है वो खुराक को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जहाँ पर खुराक आती है उसका नाम ड्यूडिनम है, और ये आपके खुराक की जो फर्दर डाइजेशन है वो करना शुरू कर देता है। फिर इधर जो मेन काम होता है आपकी खुराक की डाइजेशन से वो होता है आपके खुराक की अब्सॉर्प्शन करना, यानी कि आपके खुराक के अंदर जितने भी मादे हैं उसको आपके ब्लड वेसल्स के अंदर उसको जज़ब करने का जो सारा का सारा काम है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। ठीक है, अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 डिफरेंट सेक्रीशंस आती हैं। कौन कौन सी सेक्रीशंस आती हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अपना हिस्सा लेते हैं, यानी कि अपना किरदार अदा करते हैं, अपनी इस खुराक को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो उसमें हमने एक पढ़ा था कि लीवर जो है हमारा वो भी काफ़ी हेल्प करता है। लीवर क्या करता है? एक सेक्रीशन खारिज करता है जिसका नाम बाइल जूस होता है। अब ये क्या काम करता है? बेसिकली ये जो आपका बाइल जूस होता है ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी चिकनाई है, लिपिड्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने में जो चीज़ हेल्प करेगी वो ये बाइल जूस होगा। उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो है हमारे पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो पेंक्रियाज से आते हैं, ये 3 जूसेज होते हैं जो पेंक्रियाज से आते हैं। ठीक है, ये पेंक्रियाज के टॉपिक के अंदर हमने इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे पास मजीद 3 जूसेज आते हैं? एक ट्रिप्सन आता है, एक अमाइलेज आता है और एक लाइपेज आता है। अब ये तीनों काम क्या करते हैं? जो ट्रिप्सन होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, यानी कि हमारी खुराक के अंदर जितनी प्रोटीन बाकी रह गई है उसको डाइजेस्ट करने में जो चीज़ हेल्प करती है वो ये वाला इंजाइम है जिसका नाम ट्रिप्सन है। उसके बाद जो दूसरा इंजाइम है वो है अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? आपकी खुराक के अंदर मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको डाइजेस्ट करने में मदद देता है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा एंजाइम है वो है लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है? ये बेसिकली हेल्प करता है आपकी डाइजेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर। जो आपका काम रह जाता है बाइल जूस से, बाइल जूस भी डाइजेशन ऑफ लिपिड्स का ही काम करता है, लेकिन जो काम बाइल जूस से रह जाता है वहाँ पर यह जो पेंक्रियाटिक जूस होता है वो अपना काम करके लिपिड्स को मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो तीसरी और आखिरी चीज आती है इस हिस्से में वो ये आती है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके साथ भी बहुत से ग्लैंड्स लगे होते हैं जो आपकी खुराक की मजीद डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपकी खुराक इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी और आपके ब्लड्स के अंदर इजीली सॉल्व होगी और आपकी बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाई जाएगी।